गाइस दिस इज माय ट्रेन। लाल हमें स्टेशन पे। सर घाटी कैसी है? मतलब अब कुछ नाम क्या तुम्हारा? ट्रेन वो स्टेशन की व्यवस्था देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत मस्त मजे में रह रहेंगे। तो फिलहाल अभी टाइम हो रखा है सुबह के 9:30 मतलब 9:20 और मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपने स्कूल में। जैसे कि तुम सभी को पता है कि मैं स्टेट खेले आया था और अब मैं जा रहा हूँ नेशनल खेलने, जो कि यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर अंदाजे लगा सकते हो छत्तीसगढ़। तो चलो वहाँ जाके चलते हैं। फिलहाल टैली भाई कमिंग, एक्शन तो मारते राम राम भाई सारे ने वाला। और मम्मी जी ने मेरा खाना वाना सब पैक कर दिया, लंच पैक कर दिया भाई, वो रखा अपना लंच ये रखा और बैग भी मैंने पैक रख कर सब ओके की रिपोर्ट हो चुकी है। चार्जर वार्जर दुनिया भर का सामान इसमें पड़ा दिया भाई मैंने। और बाकी चल रहे भाई टैली, कोई दिक्कत वाली बात तो लो देख लो भाई। तो चलते हैं, पहले चप्पल पहन लो फिर मिलता हूँ। अपने भोले बाबा जी को भी नमस्कार करते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भी। ओके लड्डू गोपाल भाई, और किधर है अपने भोले बाबा, इनको ही भाई बोलते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। क्यों अम्मी जी बाय। ओके ठीक है सन्नी भाई, ओके मिलते हैं तुम्हें 5 दिन बाद 5 तारीख को। हाँ वो भाई सामने चल रहा पेंट ये देख लो। ये और अपना जिगरी चले भाई हैं देर से भी अपने स्कूल में 5 तारीख के बाद 9 तारीख को तो रह लेगा ना आराम से। अपना जिम नहीं मारी भाई, वैसे भी भाई जिम का थोड़ा ज़्यादा शौकीन है जिम में। और अरमान भाई भी आएगा, इसकी गैल सुदामा भाई भी आएगा। सुदाम और अरमान भाई को दिल से सॉरी क्योंकि तुम दोनों स्कूल गए हो। अगर सुदाम चाहिए, सुदाम भाई अगर तुझे दिखा हो तो तेरा ब्लॉक के हूँ और तुझे भाई कह के जा रहा हूँ। ठीक है ओके बाय। ठीक है भाई KGDSS बहुत लंबा नाम है। ओके भाई आराम से जाइए। ओके हाँ भाई कार्तिक कुछ कहना चाहोगे आप नेशनल प्लेयर हो इस टाइम के? इस टाइम अभी भाई जाकर पता लगेगा, जाके पता चलेगा क्या सिस्टम है गाने अपने दोनों चीते। हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे? आशीष रावत भाई, विनय भाई और क्या नाम है ऋषभ भाई। और ये आगे चल रहे हैं अपने देव भाई और ये रे भाई हमारे ट्रक सूट। क्या आने वाला? छिपियाना वाला आगे भी तेरे हैं? छिपियाना वाला, छिपियाना व्लॉग, छिपियाना ले भाई। तो बताना कौन सी ट्रेन हमारी, कहाँ पे बैठना कहाँ पे नहीं बैठना वो हमें नहीं पता। तो पहले चले भाई अपने नीचे ट्रेन में देखे हैं। 5 दिन का पैदल लो देख लो, एक युवराज राजकुमार सर का बैग और युवराज राखी मैडम का बैग और अपने बैग और पकड़ रखे हमने। ये रे भाई नेहरू नगर के 3-4 बंदे और अपने स्कूल की गर्ल्स आ गए हैं। तो ये नेशनल प्लेयर है और ये SGFI प्लेयर है। हम डिस्ट्रिक्ट प्लेयर थोड़ी ना है भाई, छोटे मोटे वो थोड़ी खेलते टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर ये बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं। तो चलो भाई पहले चले फिर मिलते दोस्त पेटीएम है ना, इस भाई से ले ले, इस भाई में बहुत मोटा कैश है ले ले, या फिर इस भाई से ले ले, किससे लेना चाहेगा? चलो 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 ट्रेन आ गई भाई जल्दी बोले, बोल पकड़ कैसा पकड़ेगा। अरे नहीं है यार गाइस दिस इज माय ट्रेन। अरे भाई रे इसमें तो तगड़ी भीड़ है रे, कैसा करेंगे इस वाली टीम और इस वाली ट्रेन से ही जाएंगे हम छत्तीसगढ़ हैं। हाँ निकलेंगे ही उतरेंगे, देख कैसे भरे पड़े हैं हमारी है भाई S8 है। कौन सी नंबर है S8 में, कौन सी क्लास? सेकंड क्लास है भाई ये तो, सेकंड क्लास में देख कितने भरे पड़े हैं। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात ना, आन लो भाई देख लो, कार्तिक को देख लो, मैडम सर और भाई की एक और हमारे स्कूल और देखा। फिलहाल हमें स्टेशन पे और लो देख लो एक बार, ये रही हमारी ट्रेन जो कि यहाँ पे खड़ी है। फिलहाल कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे पहुँचे हम? पहुँच गए कहाँ पे? आगरा। आगरा कहाँ पहुँचे हैं अभी? इससे अगला स्टेशन है आगरा, ये राजा की मंडी है। तो भाई ये राजा की मंडी पे खड़े हैं फिलहाल हम और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं। आप देख लें किधर पेटीएम हो तो ले लेंगे कुछ। भाई यार स्टेशन वैसे ही पेटीएम कहाँ रहता है यार, मुझे ऐसा लग रहा है भैया पेटीएम है, पेटीएम नहीं है। अरे यार ये तो नॉट गुड हो गया भाई, मिल गया पेटीएम कहाँ पे है। चलो अब बता क्या खाएगा तू, बता ना तू क्या खाएगा। जो तो कह रहे वो खा लूँगा या फिर जो तो खिला दे मैं तो वो भी खा लूँ, अच्छी कोई बात तो ना। अरे देख चॉकलेट कैसे हो, किटकैट चॉकलेट देख भाई, देख लिया कभी इस चक्कर में ट्रेन छूट जा किसी और डिब्बे में चढ़ना पड़ जा क्या ले बेकार रहे हैं इनके सामने और क्या रहा IRCTC के। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या व्यवस्था। मैं आया हूँ 2-3 बार गुरुजी के साथ, वहाँ कौन सी बात आया या ग्वालियर में कौन सी है वो
आता है कौन से बताओ सर घाटी कैसी है मतलब मतलब अच्छा अभी आने वाली है दिखाते हैं सर जी अपने भाई किस्मत ही खराब है यार भाई ना देगी यार हम क्या कर सके लो चंबल की घाटी दिखाने वाले थे मैं और कार्तिक नहीं देगी गायब होगी हम अपने तकिए को लेकर पहुंच गए भाई अपने यहाँ पे ये है मोरैना मतलब राजस्थान तो देखते हैं अब क्या घंटे का और सफर है भाई अभी हम आए हैं सिर्फ 290 किलोमीटर चल के और ये रहा पानी पीने का वैसे हमारे उसमें बहुत पानी की बोतल हैंगी बहुत सारी भाई यहाँ से अभी 280-290 किलोमीटर चल के आए हैं इससे तिगना चुगना हो रहा 1200 टोटल 1200-1250 किलोमीटर के आसपास है भाई और ये अपनी ट्रेन खड़ी अंदर इसलिए शूट नहीं कर रहा यार क्या ही करूँगा अरे ये रे अपने देख रहा गुरु जी हाँ भाई कुछ है व्यवस्था पानी है नहीं देखो यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ ठंडा पानी आता होगा यहाँ पे चिल्ले एकदम तो चलो भाई पहले अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या मसला हाँ जी भैया जी कॉफी भाई को कॉफी दिलवाओ यार ओके अब कुछ नाम क्या तुम्हारा नाम क्या सलाम सलाम चलो ठीक है पैसे ऐसे मत मांगा करो क्योंकि ठेके पे पहुंच जाओ तुम तुरंत ही ले ले अब क्या ले रहा खाने का सामान मांगा हाँ ओनली खाने का क्या ले रहा आप तो ले लो क्या और क्या क्या है चॉकलेट चोको किस कुकीज ले ले भाई चलो तो भाई अपना एक तो ये ले ले और बाकी दो सारे ले लें फिर मिला देना भाई टाइमिंग बड़ी गाड़ी है क्या थाली बड़ी गाड़ी है अच्छा टाइमिंग इस भाई की नाम ये क्या कह रहा ये खाली क्यों दिया जो खाली क्यों ये खाली क्यों है वो खाली रहता है अचार के लिए अचार इसमें लगाते हैं सिस्टम ही अलग है भाई इनका तो अरे चार किस में डाल लिया रे देख लो खाने में क्या क्या आया क्या चीज है अच्छा पिकल अच्छा आ रहा भाई ये देख लो काले खाना बेटा वो नहीं खा रहा खाना अच्छा वो नहीं खा रहे भाई हम तो खाएंगे देख लो ये दो रोटी दी है दाल की पता नहीं किस चीज से दी चलो देख लेना लोग एडिट कर रहा था और एडिट करते करते भाई थोड़ी नींद आने लगी और हम भाई फिलहाल हम पहुँच गए वहाँ पे ये मुझे नहीं पता लेकिन लतिया लतिया कोई कर गया और इससे अगला है कुछ रानी लक्ष्मी कर गया तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए जैसे भी है तो हमें पता ही चल जाएगा अभी तो भाई स्टेशन का नाम भी नहीं पता और सामने देख लो उस भाई को देख लो हाँ भाई कार्तिक हाँ वो कोई दिक्कत परेशान नहीं बोल बोलो भाई मैडम का फोन लग रहा है यहाँ पे चार चल थोड़ा चुप देने से जंक्शन ऐसे कुछ कर गया शायद खिड़कियां बाहर भाई सुबह के बज रहे हैं कितने बज रहे हैं भाई भाई सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम अभी सो के उठे हैं और ये रहा अपने साइड में कार्तिक और ये भाई ट्रेन रुकी पड़ी है कम से कम आधे 45 मिनट हो गए और मैं सुबह से मतलब 45 मिनट पहले 7:45 हो रही है करेक्ट 7 बजे का उठा पड़ा हूँ भाई जब से ट्रेन यहीं रुकी पड़ी और ये स्टेशन भी ऐसा तुम नूह कहोगे भाई कि कहाँ रुक गया भाई ट्रेन इतनी लेट चल रही है हद से ज़्यादा लेट मैं दिखाता हूँ तुम्हें ट्रेन वो स्टेशन की व्यवस्था देख लो क्या व्यवस्था ना यहाँ पानी की व्यवस्था ना यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था भाई मेरे नैनीताल गया मुझे उसके नैरो नगर के इसकी टीम से हम खेल लेंगे मतलब उसकी नैनीताल की और ये रहे इधर का व्यवस्था भाई ये स्टेशन रीठी करके भाई इस स्टेशन का नाम है रीठी अब पता नहीं कितनी देर और बच रही है अब देखते हैं हम जैसे भी होता तो पहले इस वाले व्लॉग के ये वाले व्लॉग पूरा इन्जॉय करो तो आज के लोग कर दें हम ये पैंड होप करता हूँ आप सभी भाइयों को लोग बहुत अच्छा रहेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब रात वाली रहा।